अब आप सभी को पता है कि आजकल मैं हूँ अपने घर पे शिमला पे, एंड इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता फिर मिलेगा कि इस बीस्ट को लाए हम ऑफ रोड पे। सो देखते हैं संभव भाई की इस गाड़ी में कितनी पावर है। हाँ जी वाटशाओ, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। लास्ट टाइम जब इस ज़बरदस्त गाड़ी का मैंने रिव्यू किया था अपने गुड़गांव वाले शोरूम पे, मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, हैरी भाई शोरूम पे रिव्यू कर रहे हो, बाहर जाओ यार इस गाड़ी को ऑफ रोड लेके जाओ। सो अब आप सभी को पता है कि आजकल मैं हूँ अपने घर पे शिमला पे, एंड इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता फिर मिलेगा कि इस बीस्ट को लाए हम ऑफ रोड पे। बट ऑफ रोडिंग करवाने से पहले आपको मिलवाएंगे इनके ओनर। शाओ हियर इज द ओनर। ब्रदर एक बार अपना यार इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम संभव है और मैं बेसिकली ठियोग से हूँ। ठीक है, करते क्या हो आप? अभी स्टडीज कर रहा हूँ। स्टडीज। तो भाई से बहुत सारी बातें हमें करनी है, बट वो करेंगे हम सेकेंड पार्ट में इस वीडियो के, जिसमें हम बताएंगे ओनरशिप एक्सपीरियंस। आज हम करने वाले हैं इसमें ऑफ रोडिंग। पहले तो ऑब्वियसली करी होगी आपने। हाँ, ऊपर तो कच्चे रोड है काफी। हाँ, गाँव में तो गाँव साइड विलेज साइड बहुत कच्चे रोड है, तो उसी शॉक में लिया था आपने। हाँ, उसी वजह से ली थी, क्योंकि बाकी गाड़ी चल नहीं पाती वहाँ पर। बाकी गाड़ियाँ इतनी चलने पड़ती, नीचे लगती हुई काफी है ना, फिर गाड़ी में खर्चा आ जाता है बहुत। सही बात है। सो आइए आपको दिखाते हैं ऑफ रोडिंग। तो अभी जो है काफ़ी भयंकर चढ़ाई है यहाँ से, एंड मैं बहुत हल्का सा मैंने प्रेस किया हुआ है, मतलब मैंने ज़ोर से भी नहीं प्रेस किया है एक्सीलेटर को, और चढ़ाई भी काफ़ी भयंकर है जैसा कि मैंने आपको बताया। बहुत अच्छी पावर है, मुझे लगा था कि ऐसी जगह पे 4x4 करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, बट विदाउट 4x4 ही चल रहा है। संभव भाई आप 4x4 कब लगाते हो उसमें, कभी लगाया आपने, कभी ज़रूरत पड़ी? एक दो बार ही पड़ी थी। बर्फ में? नहीं, फिर एक ऑफ रोड लोकेशन में वहाँ पे पड़ी थी। काफी चढ़ाई थी वहाँ पे, उस वजह से पड़ी थी या टायर फंस गए थे? रॉक्स की वजह से टायर फंस रहे थे। तब लगाया तुमने 4x4? लो की हाई? हाई, मतलब लो की पड़ी ही नहीं अभी तक तुरंत? नहीं, क्योंकि अभी बर्फ में चला ही नहीं है। अच्छा, बर्फ तो पड़ी थी जब थी आपके पास ये? उसमें तो नॉर्मल में चल रही थी। नॉर्मल चल पड़ी इसमें? हाँ। उसमें प्रॉब्लम है स्केटिंग की? नहीं नहीं। अच्छा, जैसे आपने इससे पहले जिप्सी भी चलाई हुई है, सो जिप्सी में आपको ज़्यादा इशू आता है कि इसमें, मतलब अच्छी कौन सी थी ये कि वो? अच्छी तो ये थी, क्योंकि जिप्सी में कभी कभार फील होता है कि पावर कम है। वो तो ऑब्वियसली 1300 है ना जिप्सी। हाँ। मतलब आप इन दोनों में से ज़्यादा किसको प्रेफर करते हो? थार को, क्योंकि इसमें राइड एंड फील क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है। आपको मजा आ जाएगा ऑफ रोडिंग का। प्लस स्ट्रीट में कैसी देती है परफॉर्मेंस? स्ट्रीट में ये इसकी पिक मतलब बहुत अच्छी है, एकदम से खींचती है, एकदम से खींच लेती है। और उसमें टॉर्क कितना है? 300 है शायद। 300 डीजल में 300 है और पेट्रोल में 320 है। पेट्रोल में ज़्यादा है टॉर्क? हाँ। और BHP? BHP भी पेट्रोल में 10 ज़्यादा है। ओ भाई साहब, बहुत ही अमेजिंग। You can save your alibi. I already know you lied. Oh no no, don't even try. Watch the flame in me ignite. You didn't wanna walk. हाँ
हम जहाँ से अभी नीचे से आ रहे हैं वहाँ पे तो भैया रोड ही नहीं दिख रहा हमारे को कौन सा रोड है, बट ये बता दें आपको इस रोड से ऊपर आ रहे थे एंड इसको यहाँ तक लाने में ना थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगा, मतलब आपको अगर 5% बोलूँगा ना 5% का एफर्ट भी नहीं लगा, ऐसे लग रहा था जैसे आप नॉर्मल गाड़ी कोई सड़क पर चला रहे हो। सो अब मिलवाते हैं आपको दोबारा से ओनर से एंड एक और चीज़ बतानी है आपको पार्ट टू के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मज़ा आया होगा इस वीडियो में एंड अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अब जो है वो मेन पार्ट आने वाला है जो कि सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें हम बताएंगे ओनरशिप एक्सपीरियंस। भाई एक बार जाने से पहले कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी लिए? 4 months। 4 months हो गया, कितने किलोमीटर चला ली होगी ये? 5000 होने वाली है। प्रॉब्लम्स आई थी। अच्छा, सो प्रॉब्लम्स आई थी, क्या आई थी उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट टू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए अगर आप ये गाड़ी लेने वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम रिव्यू किया था इसका, शोरूम पे किया था, उस टाइम में इतना ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पाया यार क्योंकि मैंने ना थोड़ी सी टेस्ट राइड ली थी। अब थोड़ी सी टेस्ट राइड में गाड़ी के बारे में पता नहीं चलता, गाड़ी की सच्चाई 1-2 महीने के बाद उसको थोड़ा किलोमीटर्स चलाने के बाद पता चलती है, तो आपको पार्ट टू में पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। One day you will see what you made of.